आगरा शहर के विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। जयपुर हाउस स्थित स्वर्गीय श्री राजेश कुमार अग्रवाल स्मृति एवं ट्रस्ट के बैनर तले समाज सेविका रजनी अग्रवाल द्वारा जरूरतमंद व असहाय लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित किए गए। समिति के कार्यालय जयपुर हाउस लोहा मंडी से प्रारंभ कर आगरा शहर के विभिन्न स्थानों पर जैसे राजा मंडी रेलवे स्टेशन, ईदगाह बस अड्डा, आगरा कैंट, सिकंदरा के पास झोपड़ पट्टी में जाकर ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित किए गए। साथ ही समिति के अध्यक्ष रजनी अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज सेवा तो वह काफी समय से करती आ रही है, पर इस कार्यों को करने के लिए उनके पति ने हमेशा उनका साथ दिया है। साथ ही सामाजिक कार्यों को करने के लिए उनके नाम से समिति बनाई। इस समिति के बैनर तले जितने भी शहर में सामाजिक कार्य किए जाएंगे उन्हीं के नाम से व उनके आशीर्वाद से किए जाएंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर महेश चंद्र चौधरी समेत अन्य उपस्थित रहे। मेरा नाम रजनी अग्रवाल है और ये बैनर मेरे हस्बैंड स्वर्गीय राजेश कुमार अग्रवाल की स्मृति में ये चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है और इसी ट्रस्ट के तहत अब हम सारे काम तैयार करते हैं सामाजिक कार्य। और इस समय काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ने लगी है तो हमने चाइना में छोटे छोटे लोगों के लिए कंबल वितरण का संकल्प किया है और शहर में जा जाकर रात को हम 9 बजे निकला करेंगे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन और शहर में घूम घूम कर। कितना आपका टारगेट है बढ़ने का, क्या है? देखिए टारगेट तो ये है कि अभी हम 1000 कंबल लाए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम और लेकर आएंगे क्योंकि ये हमने पूरे शहर में कंबल बांटने का संकल्प लिया है। आज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो गरीब लोग हैं और उनका जो है बेसहारा है बेचारे रिक्शे वाले लोग हैं उन सभी को, सर्दी का माहौल है इस समय, सर्दी पड़ रही है तो इस कड़ाके की सर्दी में उन्होंने कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा है, जो कि कोई भी व्यक्ति हमारे आगरा जनपद में कोई भी सर्दी के कारण किसी की मृत्यु ना हो, किसी की तबीयत खराब ना हो, स्वस्थ रहें ऐसी कामना कर रही है वो सभी के लिए और हमारी भी ये कामना है। जितना भी होगा उतना हम लोग भी सभी लोग सहयोग करेंगे और ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पर आने के बाद कि ऐसी सोच और ऐसी विचारधारा है प्रत्येक महिला की, प्रत्येक पुरुष की, हमारे प्रत्येक जनपद आगरा के रहने वाले व्यक्ति के अंदर यह जज्बा या सोच होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का भी और बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग जो है सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि जब आप लोग इसको जितना दिखाएंगे उतना जितना भी वो खबर छपेगी तो इससे क्या ना और भी समाज से भी है वो भी हमारे जनपद आगरा में निकल कर आएंगे और हमारे आगरा में स्वच्छता का एक अच्छा एक प्रेरणा स्रोत एक अभियान चलेगा और जब हमारे जनपद के लोग स्वस्थ एकदम स्वस्थ होंगे तो उम्मीद रहेगी कि हमारा पूरा उत्तर प्रदेश स्वस्थ रहेगा, उत्तर प्रदेश स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा हिंदुस्तान ही स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नवोदय। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।